नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद में खाली हुई 9 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको पता है 9 सीटों पर 9 प्रत्याशियों ने नामांकन करा दिया था, जिसमें से एनडीए की तरफ से 5 और आरजेडी की तरफ से 3, एक उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से था, और उन सभी को आज निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। उन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, बिहार विधान परिषद की अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर खड़े सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। सभी प्रत्याशियों का जीत का सर्टिफिकेट सौंप दिया गया है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। समय सीमा खत्म होते ही सभी 9 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है, यानी वो 9 विजयी हो गए हैं। वो सभी विधान परिषद के अब सदस्य बन चुके हैं, जिसमें से जेडीयू के 3 उम्मीदवार हैं, आरजेडी के 3 और बीजेपी के 2 प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस के भी 1 प्रत्याशी शामिल हैं। जेडीयू की उस अगर हम बात करें तो गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा चुने गए हैं, जबकि बीजेपी की ओर से संजय मयूख और सम्राट चौधरी का चयन हुआ है एमएलसी बनने के लिए। बता दें कि आरजेडी की ओर से बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील सिंह का चयन हुआ है। विधान परिषद में अब वो सदस्य बन गए हैं, विधान पार्षद हो चुके हैं, एमएलसी बन चुके हैं। फारूक शेख और रामबली सिंह चंद्रवंशी भी निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस की ओर से 1 प्रत्याशी डॉक्टर समीर कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में सुनील सिंह, बिस्कुमान के चेयरमैन, 50 किलो का लड्डू लेकर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के आवास पर। ये तस्वीर देखते हुए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो मनोबल बढ़ा रही हैं आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं। क्योंकि आपको पता है 5 एमएलसी टूटकर जेडीयू में चले गए थे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में थोड़ी सी मायूसी थी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन सुनील सिंह बिस्कुमान के चेयरमैन हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफ़ी करीबी हैं, वो विधान परिषद जा चुके हैं, विधान पार्षद बन चुके हैं, एमएलसी बन चुके हैं, और उन्होंने 50 किलो का लड्डू भेंट किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव ने भी उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी है। अभिभावक समान है सुनील सिंह। थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत हुई है सुनील सिंह से, हमने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें बधाई दी है, उन्होंने भी कहा है कि हम आगे आरजेडी की तरफ से आवाज़ बुलंद करेंगे, जनता के बीच में आवाज़ रखेंगे। और जो एमएलसी टूट के गए हैं, ऐसी खबरें जो निकल के आई थी कि आरजेडी में टूट हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनता नेता को बनाती है, नेता से उम्मीदें होती हैं, लेकिन अगर नेता ने धोखा दिया है तो खैर आगे की बातें हैं। वहीं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद पहुंचे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने जरा सुनिए। इनको शुभकामनाएं हैं, पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया और इनकी जीत हुई, आज सर्टिफिकेट मिला है तो इनको बधाई देते हैं। तो लालू जी की और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उम्मीद करेंगे कि इस पर जो है खड़े उतरे और गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीब गुरबाओं के प्रति जो है ये अपनी सदन में मजबूती से उनके लिए आवाज़ उठाते रहें और गरीब के अधिकार को दिलवाने का काम करें। आगे चुनाव भी होने वाला है, क्या मैसेज जाएगा जो आप लोगों ने कास्ट कॉम्बिनेशन लिया है, जो सोशल? नहीं, आप लोग देखिए, हर चीज़ आप लोग जो है कास्ट, हम लोग देखिए नौजवान हैं, हर जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं। हम लोगों को सबको लेके चलना है, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हों, चाहे वो गरीब हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों। ये गरीबी जो है और बेरोजगारी जो है और जो मंदी जो है सभी लोगों में, हर समाज के खेमे में, तो सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो आपने सुना, सभी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सदस्य बिहार विधान परिषद के लिए, उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुनील सिंह हो या फिर तस्वीरें भी आप देखते हों किस तरीके से उन्हें भी गुलदस्ता देकर उनका आभार प्रकट किया है। फारूक शेख हो तो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में थोड़ी खुशी दिख रही है, बहुत ही दिनों के बाद सही, लेकिन आरजेडी खेमे में थोड़ी खुशी दिखी। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बातें हो रही हैं सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की, उसका भी जीता जागता उदाहरण इस सीटों के चयन के दौरान देखा गया। सवर्ण को दिया गया, तरजीह दी गई, सवर्ण को भी दी गई। वहीं अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को भी दिया गया। वहीं अगर हम बात करें चंद्रवंशी समाज के लोग पर भी आरजेडी ने भरोसा जताया है, यानी कि A to Z की जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी धरातल पर अब करते हुए आरजेडी दिख रही है। आप लाइव सिटीज़ देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिटीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।